हेलो फ्रेंड्स, वर्सेटाइल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैंने मसाला एग करी बनाया है जो कि काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। इसके लिए मैंने 4 अंडे और 2 आलूओं को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था तथा उसके उपरांत मैंने इनको छील लिया था। अंडों पे जो है मैंने 3 और 4 जगह गहरे गहरे कट लगा लिए हैं, साथ ही जो है आलूओं को भी छोटे साइज़ में काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने काट कर रख लिया है, साथ ही 3-4 हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है, लहसुन छील ली है और अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को भी काट के रख लेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर तथा आधा चम्मच जीरा पाउडर, इन सबको मैंने पानी में घोल कर रख लिया है। अब हम गैस में कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें हम जीरा, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, हींग, हरी इलायची, बड़ी इलायची व दालचीनी, इन सबको तड़के के रूप में डाल लेंगे। गैस की आंच को मध्यम कर लेंगे तथा जो है हम इस तेल में अंडों को फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि अंडों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही इसको, हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। अंडे जब हल्के फ्राई हो जाए तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम तेल में जो है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो कि हमने पहले काट के रखे हुए थे उनको भी ऐड कर लेंगे। इन सबको एक कड़छी की सहायता से हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे तथा इनको जो है प्याज के लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। इस बीच मैंने 2 सूखी लाल मिर्च को भी तोड़ करके इसमें मिला लिया और कड़छी से मिक्सअप कर लिया है। प्याज के लाइट ब्राउन हो जाने पर सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके उसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे तथा उसके उपरांत जो भी मसाले हमने घोल कर रखे थे उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे तथा उसके उपरांत कड़छी की सहायता से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। फिर इसको हम जो है मीडियम आंच में तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले तेल न छोड़ने लग जाए। मसाले जब तेल छोड़ने लग जाए तो जो टमाटर हमने काट के रखे हुए थे उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके उपरांत इसमें हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे तथा इनको कड़छी की सहायता से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे तथा उसको कड़छी की सहायता से अच्छे से मिक्सअप करेंगे। इसके उपरांत जो है हम कढ़ाई पर ढक्कन लगा देंगे तथा इसको हल्की आंच में करीब 5 मिनट तक पकने देंगे। करीब 5 मिनट पकने के उपरांत टमाटर अच्छे से गल गए हैं, इनको हम एक कड़छी की सहायता से अच्छे से मसल लेंगे। अब हम आलू और अंडों को भी इसमें डाल लेंगे तथा जो है कड़छी की सहायता से इन सबको मसालों के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और हल्की आंच में इसको करीब 2-3 मिनट तक पकने देंगे। अब जिस प्रकार की ग्रेवी पसंद हो उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे तथा उसको कड़छी की सहायता से थोड़ा सा चला लेंगे और फिर जो है इसको मीडियम फ्लेम में करीब 7-8 मिनट तक पकने देंगे। इस दौरान हम इसे बीच बीच में कड़छी की सहायता से चलाते भी रहेंगे। इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक अंडे पे हम कम से कम 3 या 4 जगह गहरे कट जरूर लगाएं। साथ ही तड़का लगाने के बाद ही हम इन अंडों को तेल में फ्राई करें, इससे जो है ये अंडे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। लीजिए, स्पाइसी मसाला एग करी तैयार हो चुका है। लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल लेंगे। तो अगर आपको स्पाइसी मसाला एग करी खाना पसंद हो तो इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही जो है वर्सेटाइल गुरु चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत